अस्सलाम वालेकुम। आज हम मना रहे हैं कोलकाता रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन भरता, जिसके लिए हमने यहाँ एक पैन हीट किए हैं और उसमें हम ऐड करेंगे एक कप पानी, दो हरी इलायची, दो काली मिरी, दो लौंग और एक छोटी पीस दालचीनी का ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून विनेगर, आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। 1/4 teaspoon नमक, 1 teaspoon अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। अब इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है जब तक चिकन पूरी तरह गल जाए। कवर करके नहीं पकाना है, एक बॉईल आ जाएगा तो फिर हमें इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है और इसका सारा जो स्टॉक है वो ड्राई नहीं करना है, हमें बाद में यूज़ करना है उसे। अब एक ग्राइंडिंग जार में हम 2 medium टमाटो ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चियाँ, 1/4 cup दही, ये 2 teaspoon खसखस है जिसे हमने थोड़े सी पानी में भिगा लिए थे तो पानी के साथ ही इसे ऐड कर लेंगे। हमने 10 से 12 काजू लेके उसे थोड़ी देर गर्म पानी में भिगा लिए थे तो पानी में से निकाल के काजू हम इसमें ऐड कर लेंगे। काजू का वेट है अप्रॉक्सीमेटली 20-22 grams। बिना पानी डाले अब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर हीट कर लेंगे। इसमें हम एक छोटा पीस दालचीनी, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिरी और 2-3 इलायची डाल देंगे और उसे आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें हम 2 medium size अनियंस डालेंगे जिसका वेट है 120 grams और हमें अनियंस को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इसमें हम डालेंगे 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे 1 minute के लिए फ्राई कर लेंगे। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। इसमें है 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सॉल्ट हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बाद में जो चिकन स्टॉक इसमें हम ऐड करेंगे उसमें भी काफ़ी सॉल्ट है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम पे इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बॉटम पे स्टिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं भूनने के लिए। इसे हमने अच्छी तरह भून लिए है। अब इसमें जो प्यूरी हमने बनाए थे वो सारी ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच में 1-2 बार इसे चेक करेंगे ताकि ये बॉटम पे स्टिक नहीं हो जाए। मसाला अच्छी तरह से भून गया है तो अब हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। जो चिकन हमने बॉईल किए थे उसको छान के हमने उसका स्टॉक कलेक्ट कर लिया है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2 cup चिकन स्टॉक होगा। अब जो चिकन हमने बॉईल किए थे उसे श्रेड करके ग्रेवी में डाल देंगे। 1 tablespoon कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 chopped coriander, 2 teaspoon केवड़ा वाटर, 1/4 cup फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने यहाँ 2 अंडे बॉईल कर लिए हैं जिसमें से 1.5 को हमने चॉप कर लिए है और उसमें से हमने 3 slices हटा लिए गार्निशिंग करने के लिए। आपको गार्निश नहीं करना है तो आप दोनों अंडों को रफली चॉप करके ग्रेवी में ऐड कर देना। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पकाना और फिर ये सर्व करने के लिए रेडी है।